नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोबाइल के बारे में जिसका लोग कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस मोबाइल को लेकर के तो प्लीज शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं बात करने वाला हूँ ऑनर के V20 के बारे में। जैसा कि आप वीडियो के इस पर देख पा रहे हैं, इमेज आ रही है ऑनर का V20 जो कि बहुत ही चर्चा में है इस टाइम पर। बहुत सारे लोग इसका बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं ये चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। इसके सारे के सारे फीचर्स को लेकर के, इसके सारे सारे स्पेसिफिकेशन को लेकर के, इसके सारे प्राइस को लेकर के मैं पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें आपको डिस्प्ले दिया गया है 6.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। एंड अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो मैं तो इसके प्रोसेसर से बहुत खुश हूँ। इसमें क्रीन का 980 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है इसमें दिया गया है। ये प्रोसेसर एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है जिससे आपका मोबाइल कभी भी हैंग कुछ भी नहीं करेगा, मतलब एक लेटेस्ट प्रोसेसर है ये समझ लीजिए। एंड अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें कैमरे को लेकर के ये थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में, क्योंकि इसमें कैमरे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरे दिए गए। अगर मैं इसके रियर कैमरे की बात करूं तो इसमें रियर कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल का, मतलब 48 मेगापिक्सल का इसमें बैक कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। एंड साथ ही 1.8 अपर्चर के साथ आता है और इसमें आप स्लो वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें स्लो वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि लेटेस्ट है कहीं ना कहीं। एंड अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है 25 मेगापिक्सल का, 25 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया गया है फ्रंट जिसका 2.0 अपर्चर है। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्रंट कैमरे से फोटो ले सकते हैं, साथ ही साथ आप बैक कैमरे से भी फोटो ले सकते हैं। एंड साथ में बैक कैमरे में आपको स्लो मोशन स्लो वीडियो का भी ऑप्शंस दिया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस मोबाइल का। और वैसे ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका हाईलाइट का इसका कैमरा और इसका लेटेस्ट प्रोसेसर, ओवरऑल फोन ही बहुत अच्छा है। अगर इसके रैम की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 GB की रैम दी गई और 128 GB की स्टोरेज दी गई है जो कि बहुत ही अच्छा है। माइक्रो एसडी कार्ड में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आई थिंक 128 स्टोरेज काफी होता है, आपको ही बताएं। और ये Android 9 Pie पे काम करेगा जो कि लेटेस्ट है, आपको पता है Android 9 Pie पर ये काम करने वाला है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा फोन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें बैटरी आपकी 4000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। बाकी का आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई है। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी, बता दो इसका प्राइस को लेकर के अभी भी कोई कंफर्म नहीं आया है, तो ये पता नहीं है कि ये कितने पैसे में आएगा। लेकिन मैं आपको अपने ओपिनियन बताऊं कि अगर ये 30,000 रुपये तक का फोन होता है, 30,000 तक का होता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन होने वाला है। बाकी के मार्केट में अदर फोनों को काफी सारा अच्छी तरीके से कम्पीट करने वाला है। ये अमेजोन पे इसकी सेल होने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसकी जो फर्स्ट सेल होने वाली है ये 29 जनवरी को ये ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो 29 जनवरी तक का वेट कर लीजिए। आप मुझे बताइए कि आपको इस फोन की सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं नए नए मोबाइल्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज को लेकर के, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर आ रही होंगी, इनको देख लीजिए। एंड मैं मिलूंगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।